गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकेंड का जो दूसरा चैप्टर था मनीष एट स्कूल, उसके बाकी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करने जा रहे हैं, जो ग्रामर पोर्शन है उसमें राइट द जो क्वेश्चन है वो है राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इससे पहले, इसको जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सिंगुलर और प्लूरल होता क्या है। तो सिंगुलर को उर्दू में वाहिद कहा जाता है और प्लूरल को उर्दू में जमा कहा जाता है, ठीक है। तो जो डिफाइन होगी इसकी, सिंगुलर मीन्स वन, वाहिद मतलब एक, सिंगुलर मीन्स वन, जो सिंगल होता है, जो एक होता है, जैसे एक पेन, एक कॉपी, एक ब्लैक बोर्ड, एक मार्कर, एक डस्टर, एक फैन वगैरह वगैरह, इसको सिंगुलर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा जो है आपका वो है प्लूरल। प्लूरल क्या होता है? प्लूरल मीन्स मोर देन वन, जब एक से ज्यादा, मतलब मेरे पास पहले एक ही चाक था, अब कितने हो गए? दो हो गए, मतलब अभी प्लूरल में आ गया, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक ही चीज है तो उसको सिंगल बोला जाएगा, लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा चीजें हैं तो उसको प्लूरल बोला जाएगा। तो प्लूरल मीन्स मोर देन वन, जब आपके पास एक से ज्यादा कोई चीजें होगी तो उसको क्या कहा जाता है? प्लूरल कहा जाता है। फिर से मैं एक बार आपको बोलता हूं, सिंगुलर मीन्स एक, या सिंगुलर मीन वाहिद, सिंगुलर मीन्स वाहिद एक, ठीक है। सिंगुलर मीन्स वन, ठीक है। उसके बाद प्लूरल, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, जब एक से जायद कोई चीजें आपके पास आ जाती है तो उसको प्लूरल बोला जाता है। तो ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो है राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है। तो प्लूरल्स यहां पे लिखने हैं, सिंगुलर भी आपके पास दिया गया है और आपने उसका प्लूरल लिखना है, तो ये सिंगुलर है और ये आपने प्लूरल्स इसके बताने हैं। तो पहला सिंगुलर जो है आपके पास वो है बस। बस मींस एक, बस जिसमें आप सफर करते हो, तो बस जो है उसका प्लूरल जो आएगा वो आएगा बसेस। क्या आएगा? बसेस, एक से ज्यादा, मतलब तीन चार, दो तीन चार पांच जब गाड़ियां खड़ी हो जाती है तो उनको बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं? प्लूरल। दूसरा है आपका बॉक्स। बॉक्स होता है आपका लंच बॉक्स, ठीक है, या कोई डब्बा जो आप स्कूल लाते हो जिसमें आप खाना वगैरह खाते हो, तो उसको बोलते हैं बॉक्स। एक ही लाते हो, लेकिन आपके पास दूसरे भाई भी होते हैं जिसके पास, अगर जब आपके पास सिर्फ एक होता है लेकिन जब दूसरा भाई उसका भी आप कलेक्ट करते हो तो वो दो बन जाते हैं, इसका मतलब वो बक्सिस बन गए। क्या बन गया? बक्सिस बन गए। और बक्सिस क्या होता है? प्लूरल होता है। इसके बाद तीसरा है चाइल्ड। चाइल्ड होता है बच्चा। क्या चाइल्ड क्या होता है? बच्चा। और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन होते हैं बच्चे, जैसे क्लास में अभी कितने बच्चे बैठे हैं, ठीक है, एक बच्चा नहीं ना बैठा, यहाँ पे 20-25 बच्चे बैठे हैं, तो इसको बोलेंगे चिल्ड्रन, ठीक है। इसके बाद क्लास। क्लास क्या होती है? क्लास, ठीक है। और इसका प्लूरल क्या आएगा? क्लासेस। एक क्लास, जैसे सेकेंड क्लास, ठीक है, ये सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, सिक्स भी है, अप टू 12th, तो इसको बोलते हैं क्लासेस, प्लूरल, ठीक है। उसके बाद स्टोरी। कोई आपको कहानी सुनाता है, एक ही कहानी सुनाता है तो उसको बोलेंगे स्टोरी, लेकिन अगर उसने साथ में दूसरी भी आपको सुना ली, या आपने कोई स्टोरी पढ़ी, सिंगल एक ही स्टोरी पढ़ी, ठीक, अगर आपने एक से ज्यादा पढ़ ली तो वो बन गया स्टोरीज, मतलब आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ ली, ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्टोरीज, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ है आपका पोएम। पोएम जो आपकी बुक में होती हैं, ठीक है, आपने कोई पोएम पढ़ ली, एक पोएम पढ़ी तो सिंगुलर कहा जाएगा, लेकिन एक से ज्यादा पढ़ ली तो उसको प्लूरल बोला जाएगा। समझ आ रही है बच्चों को? ठीक है। तो उसके बाद सातवां जो है आपका वो है फ्रेंड। अक्सर ये देखा जाता है कि हर इंसान का कोई एक ही दोस्त होता है जो उसका फास्ट फ्रेंड होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर में फ्रेंड सिंगुलर, और जब एक से ज़्यादा फ्रेंड्स आ जाएंगे तो उनको प्लूरल बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद
लास्ट है टीचर, ठीक है। एक ही टीचर आपको टीच नहीं करता, एक ही टीचर आपका प्रीचर नहीं होता है, एक ही टीचर आपका गुरु नहीं होता है, बल्कि आपको दिन में कितने भी, जो भी इंसान आपको कोई नेक बात बोलता है, जो भी इंसान आपको कोई अच्छी बात सुनाता है, अच्छी बात करने को बोलता है, तो उसको टीचर बोला जाता है। सिर्फ जो आपको क्लास के अंदर पढ़ा है उसको टीचर नहीं बोला जाता है, बल्कि जो भी इंसान आपको कोई भी काम सिखाए, अच्छा काम सिखाए, और उसको टीचर बोला जाता है। तो जो टीचर क्लास में आता है वो आपको कभी बुरी बात तो नहीं सुनाता है, कभी बुरी बात तो बताता नहीं है, वो आपको हमेशा हिदायत करने की कोशिश करता है, आपको सही राह पे लाने की कोशिश करता है। तो टीचर जो है सिंगुलर, और इसका प्लूरल क्या आ जाएगा, टीचर्स, ठीक है। इसके बाद हम कल जो है इसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।